नमस्कार, मैं हूं राजत। आज मैं आपको मेरा YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूं। देखिए, मैं आज आपको एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं, जो एग्ज़ाम आ रहा है SBI क्लर्क का। 2018 में जो एग्ज़ाम आ रहा है SBI क्लर्क, जो अप्रैल और मई में होने वाला था, वो पोस्टपोन करो, जुलाई अगस्त में होगा। तो वो जो प्रीलिम एग्जामेशन है, टोटल न्यू पैटर्न एग्जामेशन है, उसका कट ऑफ क्या रहेगा, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, टोटल डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, मैं आज जो कुछ बोलने वाला हूँ वो सब गलत नहीं है, टोटल 100% राइट है, क्योंकि इज माई एक्सपीरियंस मो भी नीचे अनुभव। जे मैं आज जो भी बोलने वाला हूँ टोटल 100% वो करेक्ट रहेगा। देखिए, आज आप जो 20 मिनट और 15 मिनट आज जो वीडियो होगा, टोटल आप फोकस कीजिए मैं जो भी बोलने वाला हूँ। देखिए, ये जो SBI क्लर्क का जो न्यू पैटर्न चल रहा है दिस ईयर, वो जो टाइम फिक्स किया है उसके आधार में आपका कट ऑफ कैसे रहेगा। जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसका कोई टाइम लिमिट नहीं था, ठीक है। चलिए मैम, देखता हूँ आपको। देखो, जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था वो जो 3 सब्जेक्ट था, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, 35, 35, 30, और टोटल ये 60 मिनट था, 1 आवर था। देखिए, वो जो एग्ज़ाम है ना प्रीवियस का, इसमें आपका जो सब्जेक्ट सबसे इजी, उस आप वो सब्जेक्ट में आप सबसे कम मिनट, सपोज आपका रीजनिंग 35 मार्क, आपको इजी लगता है, आप 18 मिनट या 15 मिनट में ख़त्म करके आप वो जो रिमेनिंग टाइम आप मैथ और इंग्लिश में देती है, या आप टोटल 35 प्लस 35 रीजनिंग मैथ आप टोटल इसको 45 मिनट में कंप्लीट करके और बाकी रिमेनिंग आप इंग्लिश में देते हैं। तो ये नहीं होगा दिस ईयर, टोटल चेंज पैटर्न इज ऑलरेडी चेंज। SBI जो कंपटीशन चल रहा है, इसीलिए SBI तो कंपटीशन को फेस करने के लिए, जो स्टूडेंट कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, वो SBI एक न्यू टाइम फिक्स किया। जैसे देख, आप टोटल वही 3 सेक्शन रहेगा, वही 1 आवर रहेगा, लेकिन टाइम फिक्स क्या है, देखिए न्यू पैटर्न, आपका रीजनिंग जो 35 मार्क है, आपको 20 मिनट सिर्फ मिलेगा, ज़्यादा नहीं। मैथ में 35 मार्क 20 मिनट्स, और इंग्लिश में 30 20 मिनट्स। देखिए, वो सब फिक्स टाइम फिक्स, वो टाइम नॉट चेंज, टाइम फिक्स। आप जो भी पहला आएगा, सपोज इंग्लिश पहला आया कंप्यूटर स्क्रीन में, आप 20 मिनट के बाद आप नेक्स्ट सेक्शन जा सकती हो, नहीं तो वो 15 मिनट के बाद में नहीं चला सकते, क्योंकि वो जो हम जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था, हम इंग्लिश को सबसे कम 15 और 12 मिनट देकर और रिमेनिंग टाइम हम मैथ और रीजनिंग में हम स्पेंड करते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया, इसलिए दिस ईयर दो कट ऑफ कैसा रहेगा, देखिए मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, आप जितना बड़ा, जितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, लेकिन देखिए क्या होगा उसमें, अब मैक्सिमम सपोज आप रीजनिंग अटेंड करते हैं, 35 क्वेश्चन आप 20 मिनट में आप कितना कर सकते हैं, 30 से 35 तक, मोस्ट प्रोबेबल 30, मिनिमम 30। देखिए, आप 20 मिनट में 30 क्वेश्चन किया, ठीक है। देन आप मैथ में चलिए, देखिए मैथ में भी 35 क्वेश्चन, बस 20 मिनट सिर्फ। देखिए, रीजनिंग इजी था, रीजनिंग इजी भी आता है, हर स्टूडेंट को रीजनिंग सबसे अच्छा लगता है, तो इसीलिए वो 35 प्लस अटेंड करती है। लेकिन मैथ थोड़ा टिपिकल्ट आएगा, और जो सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएगा थोड़ा टिपिकल्ट आएगा,
लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए 25 क्वेश्चन से आप 20 मिनट्स में 22-25 प्लस, इतना ही बस, जितना भी अच्छा आप करो इतना ही बस होगा, क्योंकि टाइम फिक्स है 20 मिनट से ज़्यादा आप एक मिनट भी ज़्यादा नहीं पाएंगे, इसलिए 25। देखिए ये था 30 था, रीजनिंग 30, अरे मैक्सिमम 20, ठीक है 22-25। देखिए ये था मैथमेटिक्स का, देखिए इंग्लिश क्या होगा उसमें, इंग्लिश देखिए, इंग्लिश आप आपको इंग्लिश 20 मिनट सिर्फ मिलेगा, 12 और 15 मिनट के बदले आप 20 मिनट पाओगे। प्रीवियस एग्जाम में आप जो भी क्लर्क एग्जाम और जो भी एग्जाम होता है वो प्रीलिम का, आप क्या करते ना सबसे ज़्यादा कम टाइम इंग्लिश में देते थे और उस जो टाइम में निकला वो रीजनिंग और मैथ में स्पेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 20 मिनट्स मिलेगा, 20 मिनट्स के कम नहीं या ज़्यादा भी नहीं, आप इंग्लिश टाइम ख़त्म होने के बाद आप नेक्स्ट सेशन जा सकती है। इसलिए इंग्लिश के लिए आप मैक्सिमम मुझे लगता है जो भी 15 मिनट में, जैसे क्लरिकल पैटर्न है इसलिए आप 15 से 20 क्वेश्चन आराम से अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वो यदि स्टोरी बेस आएगा तो आप स्टोरी करेंगे और जो भी आएगा पैटर्न उसका आएगा, ऐसे ही पैटर्न आएगा, देखिए पैटर्न आएगा, पैसेज आएगा, फिलर और क्लोज टेस्ट एरर, ऐसा नहीं कि ये सब आएगा, ऐसे ही ऐसा भी हो सकता है ओनली पैसेज दे देगा, एरर दे देगा और क्लोज टेस्ट दे देगा, थ्री पैटर्न, जैसे कि प्रीवियस एग्जाम में हुआ था ओनली 3 पैटर्न दिया था, एरर 10 मार्क, पैसेज 10 मार्क और क्लोज टेस्ट 10 मार्क, पैटर्न चेंज होगा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है कि 20 मिनट में हमें करना चाहिए 15 से 20, ठीक है। देखिए रीजनिंग 30, मैथ मैक्सिमम 25 और इंग्लिश मैक्सिमम 20, कितना हुआ 75 अटेम्प्ट, लेकिन 75 कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर सकता, वो मेरा गारंटी है, क्योंकि वो भी कम हो गया 20, तो मार्क होगा 70 प्लस आप अटेंड करिए, और कट ऑफ मुझे जो लगता है इन माय एक्सपीरियंस 55-60, इससे ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा लेकिन 55-60 अब 100 से दिस ईयर कट ऑफ 100% ही जाएगा, क्योंकि नया पैटर्न रहेगा, टाइम लिमिटेड रहेगा, इसलिए आप ज़्यादा भी टाइम नहीं पाओगे, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा करने के लिए, मैथ ज़्यादा करने के लिए वो 30-20-20 आप 70 लगभग 70 अटेम्प्ट करेंगे, तो इसीलिए कट ऑफ ही हर स्टेट का जो भी टोटल स्टेट उसका मैक्सिमम कट ऑफ, जो मैक्सिमम कट ऑफ में मिनिमम नहीं बोलता, तो मैक्सिमम कट ऑफ इसमें अंदर 55 से 60 रहेगा, उसमें ज़्यादा नहीं रहेगा, इतने अंदर रहेगा। इन माई एक्सपीरियंस मैं भी एग्जाम दिया, 4 साल मुझे लग गया कि उसका स्ट्रैटेजी क्या है, वो किससे क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैं इन माई एक्सपीरियंस में आज इस वीडियो में मैं आपको इसे बता रहा हूँ कि जो SBI क्लर्क का जो एग्ज़ाम होगा 2018, तो टोटल पैटर्न नया पैटर्न बेस है, टाइम फिक्स है, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं, 55 से 60 तक मैक्सिमम रहेगा, हर स्टेट का नहीं है, लेकिन कोई कुछ स्टेट भी है जो कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा, लेकिन मैक्सिमम कट ऑफ ऐसे ही रहेगा, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जो नया पैटर्न आया है तो क्वेश्चन सेम रहेगा, ओनली टाइम फिक्स कर देगा, तो इसलिए आप जो टाइम मिला आपको लगभग 60 डेज बाकी है, इस 60 डेज में आप ऐसे तैयारी करिए कि हर रोज हर दिन आप एक एक दो दो सेट, देखिए सेट करना तो एक घंटा में एक सेट हो जाएगा, कोई मेन एग्जाम नहीं है, इसलिए आप एक दिन में दो सेट कीजिए, ठीक है, एक दिन में दो सेट, टू सेट मिनिमम प्रैक्टिस,
देखो सेट प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, सेट करिए, जो क्वेश्चन आपका डाउट है, जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको देखिए, उसमें सॉल्यूशन मिलेगा, वो उसमें उसमें आपको क्या तकलीफ है, वो क्यों भूल हुआ, ये सब एनालाइज कीजिए। देखिए हम क्या करते हैं ना, जो भी इजी इजी क्वेश्चन है उसमें सब फिनिश करके टोटल 55 या 60 हो जाएगा तो बैठ गया, लेकिन वो एग्जाम में वही इजी क्वेश्चन आएगा तो वही ऐसी और नहीं है। इसलिए जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, सपोज आप मैथ में जो 35 क्वेश्चन है, आप इसमें DI सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 25 मैक्सिमम, हम क्या करते हैं ना, ये 25 क्वेश्चन करके मेरा हो गया ए सोच के, लेकिन एग्जाम में जो स्टूडेंट 65 प्लस नंबर लाती है वो क्या कर? इसमें छोड़कर वो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो अटेंड करती है, इसलिए मेरा जो माना है। तो आप जो सेट प्रैक्टिस करिए, इसमें जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, आपके पास सफिशेंट टाइम है। देखिए 60 दिन में ऐसा भी चमत्कार हो सकता है कि आप ऐसे प्रैक्टिस करिए कि आप 35 क्वेश्चन से मैक्सिमम 25 या 25 से 30 मैक्सिमम कर पाऊंगे। तो मेरा मतलब जो मैथमेटिक्स का था जो स्ट्रैटेजी, आप रोज दो सेट प्रैक्टिस करिए, सेट में क्या तकलीफ है, क्या आपका प्रॉब्लम है उसको एनालाइज कीजिए, और रीजनिंग तो सबको आता है, वो रीजनिंग टाइम मिलेगा तो लोग आदमी मतलब वो 30 से 35 सब कर देंगे। लेकिन हमारा डर क्या है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, इंग्लिश के लिए मैं आपको बोलूँगा, देखिए 30 डेज है हमारे पास, टोटल जो न्यूज़पेपर हिंदू या जो भी न्यूज़पेपर चाहिए आपको, जो 8 पेज है ना उसको टोटल एक दिन में 2-3 पढ़िए, वह प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस होने से आपको जो वोकैबुलरी पावर वो स्ट्रांग हो जाएगा, और जो स्टोरी आएगा आपको, सपोज आपको ये स्टोरी आएगा इंग्लिश में, स्टोरी आप 5 में एक बार में पढ़ दिया तो आप समझ जाएंगे, लेकिन जिसका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, इसलिए स्ट्रांग नहीं है कि वो ओनली एग्जाम में जो आती है क्वेश्चन वो उसको पढ़ती है, लेकिन वो जो पीछे जो टाइम है बाकी मतलब 2-3 के जो पीछे टाइम, कोई भी इंग्लिश सेट प्रैक्टिस नहीं किया, ओनली ग्रामर कर लिया, तो ग्रामर तो सब ठीक होगा मालूम नहीं है। इसलिए मैं मेरा जो मानना है कि आप रोज़ पेपर 1 रीडिंग करिए, पेपर में जो एडिटेबल पेज है उसको एनालाइज, मतलब कुछ समझ नहीं आई है तो 2-3 ट्राई करिए, तो ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएगा, ऑटोमेटिक आप इंटरेस्टेड हो जाएगा कि मेरा कुछ समझाया। तो इसलिए आपको मेरा जो सजेशन है, आप एक दिन में 1 आवर 2 आवर इंग्लिश मोस्ट प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इंग्लिश के लिए आपको 20 मिलेगा, वो 20 की आपको इंग्लिश ही देना पड़ेगा, आप बैठो सो जाओ जो भी करो, इंग्लिश 20 के बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन जाना है, इसलिए वोकैबुलरी पावर मोस्ट चाहिए। तो ग्रामर जो भी फिलर आएगा डबल या सिंगल, और जो पैराजमल आएगा वो तो आपको इजी आएगा, और जो क्लोज टेस्ट आएगा वो डबल वाला न्यू पैटर्न आएगा। इसलिए आज से 60 जो है ना, 60 आप ऐसे ही टाइम सेट करिए कि एक दिन में 2 प्रैक्टिस करूँगा, और जो इंडिविजुअल सेट सपोज रीजनिंग का मैथ का और सब आपको प्रैक्टिस करना होगा। और मेरा जो मानना है, आप दिस ईयर में जो इस साल में SBI का प्रीलिम कट ऑफ आपका 55-60 में ही रहेगा, इसमें ज़्यादा नहीं, वो मैक्सिमम कट ऑफ, ठीक है। इस तरह मेरा नया वीडियो जो SBI क्लर्क का कट ऑफ के बारे में, और मैं आपको जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं आपको नया नया क्वेश्चन जो SBI में जो पिछले एग्जाम में हुआ था, पिछले एग्जाम तो डिस्कशन सब कुछ करूँगा, और इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन उसको क्लिक करिए, और मैं जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको सबसे आगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और
आज इतना ही बस, थैंक यू, गुड नाइट।